पानी में फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जादूगर जेड, आज संडे है, मेरा छुट्टी आज है। आज छुट्टियों में मैं क्या करता हूँ संडे को, मैं आप सबको दिखलाता हूँ। अभी अकरनिया है, बरस नदी आए हुए हैं, जो देख सकते हैं ये झारखंड की नदी है। नदी आए हुए बरस करेंगे, उसके बाद कपड़ा लेके आएंगे। कपड़ा भी मेरा गंदा हो चुका है, दो चार कपड़े हैं, कपड़ा धुलेंगे, फिर नहाएंगे। नहाने के बाद जाएंगे बाइक सर्विसिंग करवाने। तो वीडियो बने रहिएगा, खाना बनाना भी है, खाना में क्या बनाते हैं वो भी दिखाते हैं आप सबको। जो देख सकते हैं बारिश, दो दिन लगातार बारिश हुआ है, उसकी वजह से पानी गंदा हो चुका है और पानी बढ़ भी चुका है, यानी ज़्यादा हो चुका है नदी में पानी। और एक मंदिर है यहाँ पे, तो मुझे नहाना इसी में है और कपड़ा धुलना इसी में है, इसी नदी में। एक मंदिर का ये नदी है, साफ सुथरा है, लोग यहीं पे आते हैं। बस तो कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं नदी पे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, आराम मिल रहा है। यहाँ 5 मिनट्स बैठते हैं, बैठने के बाद जाते हैं घर से लाल लेकर आते हैं कपड़ा धुलना है। देखते हैं कपड़ा धुल पाते हैं, पानी भी गंदा हो चुका है। देख रहे हैं अब व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट को धोएंगे उजला शर्ट को और गंदा हो जाएगा पूरा पानी। देख रहे हैं धूल धूल जैसा हो गया एकदम। ये बारिश हुआ ना, उसकी वजह से पूरा नदी का पानी पूरा गंदा हो चुका है, गंदा देख सकते हैं, पूरा पानी में माटी है। इसमें नहाए या कपड़ा धोए समझ नहीं आ रही है। इतना सारा कपड़ा लेकर देख सकते हैं, बहुत सारा कपड़ा है, यहाँ भी कपड़ा है, इधर भी कपड़ा है। सब कपड़ा धुलेंगे, उसके बाद नहाएंगे, फिर जाएंगे बाउट या बाइक सर्विसिंग करवाने के लिए। कल धुल लेते हैं कपड़ा, तो उसको नहा लेते हैं नदी में। और देखिए नदी का पानी कितना ये माटी माटी हो चुका है। और संडे है, छुट्टी में धुलते हैं कपड़ा, बहुत दिनों से कपड़ा पड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के। देख सकते हैं अभी हॉस्टल के बच्चे भी आ चुका है, सब लोग नहाने के लिए। ये सब बच्चे हॉस्टल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं और नदी भी नहाने आए हैं। कौन से स्कूल के हो? सर्वे सूर्य ना, वहाँ मैजिक तो हुआ है ना जी। आप लोग नहाने आए हो यहाँ पे? तो बहुत सारे बच्चे, लगभग 100-150 बच्चे यहाँ पे नहाने आए हैं नदी में। और इसी नदी पे मैं भी कपड़ा धुल रहा हूँ, जो देख सकते हैं। तो चलिए नहाते हो, ओके नहाए। अभी हम नदी आए हुए हैं और देख सकते हैं, मैं नहाने आया हूँ और कपड़ा धोने के लिए। अब बच्चे सब लोग भी आए हुए हैं, कितने सारे बच्चे आ चुके हैं, लगभग 100-150 बच्चे हैं। सब सारे स्कूल के बच्चे हैं, हॉस्टल के, सर्वेश्वरी स्कूल घाघरा। देख सकते हैं इधर लड़का है और इधर गर्ल्स लोग लड़कियाँ हैं। जा रहा हूँ पानी के, अब मैं जा रहा पानी के अंदर घुसने के लिए, जाओ जा रहा हूँ। हट 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 हल्का फुल्का तैरने आता है। अभी हम आए हुए नदी में नहाने के लिए, अब बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं हॉस्टल के, जो देख सकते हैं। अब मैं जहाँ पानी लगाने के बाद डायरेक्ट पानी के अंदर तैरने हल्का फुल्का आता है। तैरना सीख रहे हैं।
फ्रेंड्स सब नदी में नहा लिए, अब नदी नहाने के बाद जा रहे हैं घर और व्यवस्था करते हैं खाने का, खाना बनाएंगे। भूख लगी हुई है, बच्चे लोग सब नहा रहे हैं, देख सकते हैं सारे बच्चे हॉस्टल के बच्चे हैं। अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, खाना बनाकर जाएंगे बाइक सर्विसिंग करवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं खाना क्या बन पाता है आज। यह झारखंड का नदी, झारखंड में अधिकतर नदी का सब यूज करते हैं, नल का कम। आ चुके हैं बाइक सर्विसिंग करवाने के लिए, बाइक का दुकान देख सकते हैं। ये मेरी बाइक है, अभी पूरा फुल रही है, खुलने के बाद पूरा सर्विसिंग होगा, देखते हैं क्या क्या खराबी निकलता है और खर्च भी कितना है, खर्च कितना होता है। मेरी बाइक का पूरा पार्ट्स है अभी खोला जा रहा है, सीट निकल चुका और इसमें खर्च भी लगता है, पता नहीं क्या इतना खर्च हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरे बाइक में मोबिल डलाता था 1 लीटर, यानी मोबिल सर्विसिंग के समय मोबिल निकलना चाहिए 1 लीटर, और मोबिल अभी निकल रहा है लगभग 200 ग्राम मोबिल निकला है। तो मेरी बाइक बहुत क्या बोलते हैं खर्च ज़्यादा हो जाएगा इसमें लगता है। तो आइए आप सब दिखा दे रहा हूँ मोबिल कितना निकला है, देखिए मोबिल कितना निकला, ये देखिए मोबिल पूरा, मोबिल मैं बाइक पूरा मोबिल खा गया, देख सकते हैं मोबिल लगभग 100 ग्राम, नहीं 100 ग्राम नहीं है, हाँ लगभग 100 ग्राम मोबिल निकला है, 1 लीटर मोबिल सब सूख गया। बाप रे बाप, देखिए मेरे गाड़ी का यह क्लच प्लेट भी खत्म हो चुका, ये है क्लच प्लेट और यह गाड़ी का इसको क्या बोलते हैं नाम इसका है मिस्त्री जी, जी क्लच होल्डिंग भी खत्म हो गया, जो देख सकते हैं ये इंजन का एक पार्ट होता है, ये इंजन का एक पार्ट है जो भी खराब हो चुका है और वो भी खराब है, देख सकते हैं क्लच प्लेट चेंज होगा, मोबिल चेंज होगा और ब्रेक शू वगैरह बैर चेंज होगा और भी कुछ काम होगा देख लेंगे मिस्त्री जी। तो मेरी गाड़ी भी पूरा खुला हुआ अभी है, खुलने अभी समय लगेगा बाइक बनने में, खर्च भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो देखते हैं कितना खर्च हो पाता है मेरी बाइक में, देख सकते हैं मेरा बाइक का ये क्या बोलते हैं चैन स्पॉकेट चेंज हुआ है, जो ये नया लगा, जो देख सकते हैं मेरे सामने है नया पैकेट, ये नया पैकेट है खुला है, चैन स्पॉकेट लगा, मोबिल चेंज होगा, क्लच प्लेट लगेगा और भी कुछ होगा और ब्रेक शू लगा है चक्का में। तो काफ़ी खर्च हो चुका है मेरी बाइक में आज। मिस्त्री जी चैन स्पॉकेट कसते हुए और एक मिस्त्री यहाँ लगा हुआ है जो पोछपाछ कर रहा है सब इंजन का पार्ट्स। ये अभी नया पार्ट्स एक आ चुका है मेरा इंजन का, ये न्यू पार्ट्स है, ये न्यू पार्ट्स है, ये भी लग रहा है और ये क्लच प्लेट है न्यू, और ये पुराना क्लच प्लेट है जो जी, ये इतना सारा न्यू पार्ट्स अभी है, गाड़ी भी मेरा चेंज हो रहा है अभी, सब है जो देख सकते हैं मोबिल डाल रहे हैं कैस्ट्रॉल एक्टिव का, जिसका प्रिंट किया है, इसका प्रिंट इसका कितना है 400 469 है ना, तो कैस्ट्रॉल इलेक्ट्रिक डाल रहे हैं मोबिल अपनी गाड़ी में। अब मेरी गाड़ी कसा चुकी है, लगभग बन चुका है जो देख सकते हैं, टैंकी वगैरह चक्का सब सेट हो चुका है। अब चला के थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं गाड़ी मेरा कैसा बना है। तो फ्रेंड्स मेरी गाड़ी बन चुकी है और गाड़ी बनने के बाद ही मिस्त्री की तरफ से मिला है मुझे एक पर्ची, जो गाड़ी में खर्च हुआ है, जो चार्ज है गाड़ी का बनने का 3,080 रुपया। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं अपने रूम में और अपने बाइक सर्विसिंग करवा कर बाइक को लगा दिए हैं आराम से, अब मैं चलता थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, आज मेरा मन थोड़ा सा खराब खराब जैसा लग रहा है, भारी लग रहा है, चलते थोड़ा सा अब रेस्ट करते हैं।